नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा की जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ न कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके डेली लाइफ से ले आता हूं। आज मैं एक तत्व की बात कर रहा हूं जिसका नाम है पोटेशियम। बहुत कम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो पोटेशियम ये जो तत्व है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे ब्रेन मस्तिष्क के अच्छे से काम करने के लिए और हार्ट की एक्टिविटी मतलब हृदय के अच्छे से काम करने के लिए ये देखा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बात की जाए सोर्स भी ऐसे नहीं कि आपको डेली लाइफ में नहीं मिल सकते, जैसे स्पेनिच हो गया, पालक हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो आपके एप्पल या सेब हो गया, बनाने या कह सकते केले में आपका मिल जाएगा, कीवी में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके कह सकते रेजिन या कह सकते किसमिस, ये आपके सोर्स। इसके अलावा मांसाहारी जो स्रोत है इनमें भी मिल जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका जो ब्रेन है पहले से बेहतरीन वर्क करे, ठीक है, दूसरा आपको हार्ट अटैक्स या हार्ट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो अपने डेली लाइफ में बात कीजिए पोटेशियम का रेगुलर यूज कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये पोटेशियम आपके ब्रेन और हार्ट के लिए यदि बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन एक कह सकते हैं मिनरल या खनिज है। और जिन लोगों में इसकी डिफिशियंसी होती है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे बच्चे जिनमें पोटेशियम की डिफिशियंसी या कमी देखी गई, कई बार उन्हें देखा गया क्या उनके मेंटल ग्रोथ या मानसिक विकास भी ये रुक हो जाता है या कह सकते हैं स्लो पाया गया। तो अपनी डाइट में जहां तक हो सके, चाहे आप किसी भी एज में हो, पोटेशियम का बेहतरीन यूज करें। जितनी एडोकेट अमाउंट लेनी चाहिए डॉक्टर से एक बार परामर्श करके उतनी अमाउंट जरूर से जरूर लें। तो ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।